लेकिन आ जाइए हम सिंपल तरीके पर आ जाएंगे अपने पूरे शरीर में एकाग्र हो गए क्योंकि मध्य में यही है मध्य का मतलब हमको इसी पर एकाग्र होना है क्योंकि राम राज्य अंदर में ही मिलेगा और देखिए जो सिर और रीढ़ है यहाँ जो करण बाहर की तरफ जाती है इसको कहते हैं हो पश्चिम की दिशा में गई लाइफ फोर्स फिर अगर उसको हम अंदर लाते हैं तो इसको कहते हैं पूर्वाभिमुख पूर्व और पश्चिम को मिला ये मध्यम मार्ग बनता है तो जब करंट जा रहे इसको अपान कहते जो अंदर आकर के इससे मिलेगी इसमें बहने वाले को प्राण कहते हैं जब अपान और प्राण का मिलन हुआ तब मध्यम मार्ग में आ गए आइए हम लोग फिर से अपने मार्ग पर और अधिक प्रसन्नता के साथ चलें क्योंकि जब प्रसन्न होकर के अपने मार्ग पर चलेंगे तो आराम लगेगा आसान लगेगा सरल लगेगा अच्छा लगेगा तो अपना मार्ग तो एक ही है कि हम ऐसा कुछ करें कि योग की अवस्था की प्राप्ति हो योग का अर्थ क्या है जोड़ना किससे जुड़ना अपने में एकाग्र होना है क्योंकि तो राम राज्य पाने के लिए किंगडम ऑफ गॉड पाने के लिए अपने अंदर ही हमें जाना पड़ेगा तो हमको अपने से जुड़ना है तो अपने से जुड़ने को और अनेक तरह से कहा गया है इसी को लाड बुद्धा ने जो विष्णु के अवतार हैं उन्होंने मध्यम मार्ग कहा है मिडिल पाथ गौतम बुद्ध ने कहा कि मिडिल पाथ पर चलिए उन्होंने योग शब्द का नाम नहीं लिया मिडिल पाथ योग इसका अर्थ है कि दो चीज हुई नहीं दो चीज नहीं हुई जब हम लाल बुद्ध की शिक्षा को अपनाते उस पर चलते हैं तो लगता है तो वही है योग अवस्था की प्राप्ति फिर तो पता चलता है कि अगर हम जीसस क्राइस्ट के मार्ग पर चलते हैं तब भी वही है भगवान राम और कृष्ण के कबीर साहब गुरु नानक देव जी महावीर स्वामी किसी के मार्ग पर चलने तो पता चलता है कि एक ही चीज़ है योग की अवस्था क्या है जुड़ना हम किससे जुड़ेंगे पहले तो अपने से ही जुड़ेंगे मध्यम मार्ग क्या है मिडिल पाथ अब चलने आज नहाने हम अब नहाने का समय आ गया है कहा गया मध्यम मार्ग से जुड़िए टूटी में गर्म पानी आ रहा है एक में ठंडा आ रहा है एक खूब ठंडा है बर्फ की तरह एक खूब गर्म है तो जुड़ना किससे अपने से इतना अधिक गर्म से नहाइए जो सह पाइए ऊपर पड़ते ही पता चले पानी कहाँ कहाँ जा रहा है ये है मध्यम मार्ग अपने को मध्य में रखिए जुड़ना अपने से है आप नेवाला पानी से नहाएंगे गर्म पानी उसमें डाल करके उसको ऐसा कर ले कि कुनकुना हो जाए बहुत हल्का वार्म रहे उससे नहाना मध्यम मार्ग को पाना नहीं अपने में कैसे काबिल होंगे तो खूब गर्म पानी डालिए क्यों गर्म पानी डालिए ऐसा नहीं उसके बाद खूब ठंडा पानी डालिए जितधिकतम ठंडा हम सह सके अधिकतम गर्म सह सके इस तरह से खूब गर्म खूब ठंडा काल्टरनेट बात ये मध्यम मार्ग पर चल रहा इस तरह से कोई तर्क वितर्क से लॉजिक से समझ करके आप मध्यम मार्ग की व्याख्या नहीं कर पाएंगे एक ही लक्ष्य रामराज्य को पाना किंगडम ऑफ गॉड को पाना वो कहाँ अंदर में है अंदर में पानी के लिए करेंगे क्या मन को अपने स्वरूप में एकाग्र करना है और हम नहाने जा रहे हैं तो कैसे अपने में एकाग्र करें हम खूब गर्म पानी डालिए कि जहाँ जहाँ पानी जाए पता चले हाथ छाले ना पड़े जले न हम ऐसा गर्म हो जो आराम से सह सके पूरा शरीर पर डालिए सिर से पैर के कमले तक तो मन एकाग्र हो गया तो केवल गर्म गर्म पर ही नहीं आप उसके विपरीत आइए ठंडा पानी भी इतना ठंडा डालिए जो आराम से सह सकी तरह से स्नान करने की प्रक्रिया को मध्यम मार्ग में स्नान करना हुआ तर्क वितरक से कुछ और होगा न अधिक गर्म न अधिक ठंडा दोनों का मध्य का मतलब निवाला पानी वार्म पानी याद रखिए कि अगर बहुत अधिक गर्म पानी बहुत अधिक ठंडा पानी न मिले सुविधा नहीं है ठंडा पानी के लिए बर्फ चाहिए है ही नहीं गर्म पानी के लिए हीटर चाहिए वो भी नहीं है तो इससे कोई चिंता न करिए हीटर हो या न हो ठंडा पानी हो या न हो तब भी आप इक्वली हम मध्यम मार्ग पर चल सकते हैं कैसे सामान्य पानी ऊपर डाल दिए चार पाँच लीटर पानी डाला आपने और से के पैर की उंगली तक एक एक भाग पर खूब मल करके रगड़ करके इतना रगड़े इतना मले कि हर हाँ जगह वार्म हो जाए फिर डाला पानी दो चार लीटर फिर रगड़े इस तरह से मज्जन करके और रगड़ करके पूरे शरीर पर जैसे पानी की मालिश कर दे रहे हैं जैसे ऑयल मसाज में जब पानी डाल करके हीट पैदा कर लेते हैं तो नहाते समय मध्यमार्ग ही हो जाते हैं ऐसा होने पर क्यों होते है? फिर हम स्पष्ट करेंगे इस तरीके से ऐसे जितने भी कार्यक्रम करें हम सब मध्यमार्गी होना चाहिए कैसे होगा पता चला कि गंध की अनुभूति में कैसे होगा दृश्य में कैसे होगा हमने स्नान का तो बताया बाकी एक एक करके बताएंगे कि सुनने में कैसे करिए देखने में कैसे करिए गंध के समय स्वाद के समय चलते समय उठते बैठते समय हम आपको स्पष्ट करेंगे लेकिन आ जाइए हम सिंपल तरीके पर आ जाए अपने पूरे शरीर में एकाग्र हो गए क्योंकि मध्य में यही है मध्य का मतलब हमको इसी पर एकाग्र होना है क्योंकि राम राज्य अंदर में ही मिलेगा भगवान विष्णु किस तरह से शासन करना चाहिए पृथ्वी पर भगवान राम का राज्य क्या है किंगडम ऑफ गॉड कैसे है अपने अंदर एकाग्रता बढ़ाएंगे हम चलिए एक और बढ़िया सा तरीका है इस पूरे शरीर में जैसे हम रिचार्जिंग करते हैं ये क्या मध्यम मार्ग में प्रवेश करने की विधि ब्रथ पर मेडिटेशन भ्रमंद पर कान बंद करके जो सुनते हैं और देखिए जो सिर और रीढ़ है यहाँ जो करंट बाहर की तरफ जाती है इसको कहते हैं पश्चिमाभिमुख पश्चिम की दिशा में गई लाइफ फोर्स फिर अगर उसको हम अंदर लाते हैं तो इसको कहते हैं पूर्वाभिमुख पूर्व और पश्चिम को मिला ये मध्यम मार्ग बनता है कैसे मिलाएंगे करंट लगातार बाहर जा रही है पैर से हाथ से पीठ पेट सीना गला चेहरा सिर हर जगह से करंट बाहर निकल रही है पर अपने में एकाग्र होकर हम सारी अनुभूतियों को हम इतना प्रेम करें कि प्रभु की उपस्थिति है इस प्रेम के प्रभाव से जो करंट जा रही वापस लौटने लगती है तो जो करंट जा रही इसको अपान कहते जो अंदर आकर के इससे मिलेगी इसमें बहने वाले को प्राण कहते हैं जब अपान और प्राण का मिलन हुआ तो मध्य मार्ग में आ गए जिसको और कैसे समझें कि मालियम झाड़ू लगा रहे हैं खाना बना रहे हैं सफाई कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं हम मैथ लगा रहे हैं कंप्यूटर काम कर रहे हैं हर काम करते समय सिर और कहाँ है याद रखिए आपका भ्रूमध्य कहाँ है श्वास अनुभव करते रहिए और सारी अनुभूति को हम प्रब्रम्ह के प्रेम के रूप में स्वीकार करें तब मध्यम मार्गी हो जाते हैं संक्षेप में यह है कि खूब अच्छी तरह क्रिया योग ध्यान करिए और खूब सेवा कार्य में लगे रहिए क्रिया योग ध्यान करते सेवा कार्य में लगे रहिए अपने आप मध्य मार्गी हो जाते हैं बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है बस सेवा करते समय से याद रखिए सिर और कहाँ है भूलेंगे नहीं भ्रूमध्य कहाँ है श्वास अनुभव करते हुए ये सब अनुभूति करते हुए जो अनुभव करते हैं इसको स्वीकार करिए कि ये प्रभु का प्रेम है ये पर ब्रह्म का प्रेम तत्व की अनुभूति इस तरह से हो रही कि ये है आप अभ्यास करते जाइए किसी प्रकार की कोई चिंता न करिए हम मध्यम मार्ग का अनुसरण करें दोबार श्वास प्रश्वास के साथ अंगड़ाई लें अंगड़ाई लेते श्वास अनुभव करते रहें सिर और रीढ़ कहाँ है भूमध्य कहाँ है जो भी परिवर्तन की अनुभूति कर रहे हैं इसे हम परबह का प्रेम है स्वीकार करें बाउ डाउन टू आवर डिवोशन इन क्रियागा मेडिटेशन क्रिया में अपनी भक्ति को नमन करें बैठेंगे नावल सेट ओपन आईज आंखें खोलेंगे